नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं ऐसे एक किसान के पास, ऐसे एक किसान के पास जिन्होंने अपने छत के ऊपर ही देखिए धनिया पुदीना इस तरह की चीजें उगाई हुई हैं, और यो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक जो चीजें हैं देखिए ये उगाई हुई है। कागजी बादाम भी यहाँ पे लगा हुआ है, और बहुत सारी चीजें देखिए कड़ी पत्ता इतना लगाई हुई है। और ये पूरी जानकारी देंगे कि ये थोड़ी सी जगह में देखिए, अगर किसी के पास कोई जगह नहीं है, घर पे कुछ नहीं है, मगर छत तो है ना, हर बंदे के पास छत होती है, वो कैसे अपने घर पे इस तरह की चीजें उगा के और ये पेस्टिसाइड से होने वाले नुकसान से बच सकता है। तो हमारे साथ हैं सर, जो बताएंगे कि उन्होंने कैसे इस क्या चीज इसको चाहिए, अगर कोई घर पे उगाना चाहिए तो क्या क्या चाहिए आपको। देखिए, अगर अपने घर पे अपने ये लगाना है छत पे, तो सबसे पहले तो एक बड़ा गमला चाहिए, यानी कि एक गमला चाहिए आपको। गमला चाहिए, बाजार में मिल जाते हैं? बाजार में बड़े बड़े मिलते हैं आजकल, तो सड़कों पे लेके बैठे हैं बनाने वाले। कितने के मिल जाता है ये गमला आपको? ये तो कम से कम भी 300 से ऊपर ही मिलेगा जी, 300-400 का मिल जाता है। यहाँ खुद भी आप जैसे आपने यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ड्रम काट के रखा हुआ है, ये देखिए इन्होंने ड्रम के अंदर ये कागजी नींबू उगाया हुआ है, बहुत बड़ा हो गया देखिए, काफी बड़ा पेड़ है। इस तरह के अगर सबके घर में ड्रम होते हैं तो वो भी इसको काट भी लेते हैं, इस तरह से काट के ड्रम के अंदर उगा सकते हैं। तो एक प्लास्टिक का ड्रम ले लो, उसको सेंटर से काट लो, इसके दो पीस बन जाएंगे, तो फिर ऐसे उसमें मिट्टी डाल के ऑर्गेनिक खाद डाल के, वो पड़ी है उधर ऑर्गेनिक खाद भी हमारी। देखिए ऑर्गेनिक खाद भी आपको दिखा देते हैं, जो ये गोबर की खाद यहाँ और तरह से मिलावट पत्ते पुत्ते मिला के बनाते हैं, उस तरह की खाद ये इन्होंने रखी हुई है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, तो ये ही डालते हैं। आप किसी पेस्टिसाइड वगैरह का यूज तो नहीं करते बीच में? ना किसी पेस्टिसाइड का यूज करते हैं हम, और ना बस पानी और खाद ओनली, और पेड़ लगा देते हैं आगे, बस ये ऐसे तैयार हो जाते हैं। जैसे उधर देखो पुदीना है, पालक भी है, धनिया भी है, हमने 3 गमले में लगा रखे हैं। ये पुदीना है। कितनी बार आपने काट लिया है ये? 5-6 बार तो कट चुका है, अब आगे फिर तैयार हो गया। अगर इस खुशबू देखें तो बिल्कुल बढ़िया खुशबू आ रही है इसके अंदर, जो बाजार में मिलने वाले धनिया या पुदीने से इतनी नहीं आती। हाँ, तो धनिया है देखो। तो आप भी इतनी छोटी सी जगह पे इतना बढ़िया ये धनिया पुदीना उगा के आप बता रहे। और दूसरी देखिए सबसे बड़ी बात आपको दिखाते हैं, जिन्होंने पानी का जो टैंक ऊपर रखा हुआ है, देखिए पानी का टैंक वो दिखाते हैं कि कैसे इन्होंने बना रखा है। देखिए बीच में टैंक रखा हुआ है, ये देखिए पानी का टैंक बीच में रखा हुआ है, और देखिए नीचे इन्होंने जगह छोड़ी हुई है, दोनों चारों तरफ इन्होंने एक दीवार करके ऊपर छत बना रखा है इसका, ना इसमें गर्मी लगेगी और ना सर्दी का इस पे प्रकोप होगा, पानी भी गर्म नहीं होगा। इसी चीज को आपने मद्देनजर रखा हुआ है। देखिए अगर हम इसको ऊपर रखते हैं ना, इतना गर्म पानी होता है गर्मियों में कि हमसे नहाया नहीं जाता। अब देखो इसमें ना तो ये गर्म होगा, ठंडा का ठंडा रहेगा, और नहाने में मजा आएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया इन्होंने एक जुगाड़ लगा रखा है, जिसके अंदर टैंकी ऐसी बना रखी है कि चारों तरफ टैंकी के छत्र दिया है उसको, और अगर ये साइड में इनका ये भी एक है कि ये थर्मोकोल भी लगा देंगे साइडों में, जगह छोड़ देंगे बाद में, थर्मोकोल लगा देंगे तो और बिल्कुल भी पानी गर्म होने का चांस ही नहीं रहेगा इसके अंदर। तो देखिए बहुत ही बढ़िया इन्होंने ये जुगाड़ कर रखा है, और आप भी इस तरह का जुगाड़ अपने घर पे करके सब्जियां ऑर्गेनिक तरीके से उगा सकते हैं। देखिए पालक है ये उगा रखी है इन्होंने, ये पालक भी कम से कम भी 6 बार कट चुकी है, और साग बना चुके हैं इसका। सब्जियों में यहीं से डालते हो आप? हाँ, सारी धनिया भी पुदीना भी पालक भी हम घर में ही उगाते हैं, घर में ही उगाते हैं छत पे, थोड़ी सी जगह पे इतना चीजें इन्होंने उगा रखी है, एलोवेरा वगैरह। और ये देखिए, और ये देखिए आक का पेड़, आक का जो पौधा होता है ये भी काफी फायदेमंद कहते हैं होता है, तो ये भी इन्होंने घर पे लगा रखा है। और ये कड़ी पत्ता जो हर सब्जी के अंदर डलता है वो भी इन्होंने यहीं पे लगा रखा है। देखिए तो धन्यवाद, आप भी इस तरह से उगा के अपने घर पे ही फायदा उठा सकते हैं, थोड़ी सी जगह पे छत के ऊपर ही।